और सिमडेगा वासी और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आनंद राज मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों के बीच में एक मोटिवेट स्पीच सुनाने जा रहा हूं। टॉपिक है जीत। जी हाँ दोस्तों, जीत जीत एक ऐसी चीज है जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, जो आपके दिल में जोश और खून में गर्मी पैदा कर सकती है। ऐसा है जी हाँ दोस्तों, जीत 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 जितने भी आज तक बड़े कारनामे हुए और जिन्होंने किए उनके अंदर थी एक जीत, और ये जीत जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तन के पीछे किसी ना किसी एक का हाथ था, और जिसका भी हाथ था उसमें थी एक जीत। मैं आप बताने जा रहा हूँ नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपने जीवन के 27 साल पूरे 27 साल जेल में गुजार दिए। प्रॉफिट कुछ भी नहीं, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। 27 साल जेल में गुजार दिए, बट जब वो जेल से निकले तो साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बन के निकले। ये था जीत। जीत महात्मा गांधी के अंदर थी। जब वे फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे, जब वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें धक्का मार के ट्रेन से फेंक दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, हम ट्रेन के पहले डिब्बे में बैठेंगे। अंग्रेजों ने कहा यह आपका हक नहीं है, उन्होंने फेंक दिया। तब महात्मा गांधी ने कहा था आई कम बैक इन माय कंट्री, मैं अपने देश से, तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से उखाड़ के फेंक दूंगा। यही एक जीत थी कि अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। इसे कहते हैं जीत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट के सबसे बड़े मोटिवेशनल हैं, क्योंकि दुनिया में उनसे अच्छा कोई मोटिवेशनल नहीं हो सकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। एक बार वो वायुसेना में पायलट का इंटरव्यू देने गए थे, और सिलेक्शन में उनका नंबर 5वें नंबर पे आया था, जबकि 4 पायलट को सिलेक्ट करना था। कितने पायलट को? 4 पायलट को। वे हार गए, वो फेलियर हो गए, लेकिन उनकी फेलियर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उस दिन अगर वो पास हो जाते या तो कोई हेलीकॉप्टर उड़ाते या तो कोई जहाज उड़ाते, लेकिन वो फेलियर हुए और लगातार अपनी जीत में अड़े रहे और मेहनत करते रहे, जिससे कि वो इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ बन गए और भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। दोस्तों ऐसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है दोस्तों? दशरथ मांझी सुना है? और नहीं सुना है तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा दशरथ मांझी के बारे। और एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, शायद वो माउंटेन ऑफ दी मांझी करके थी या दी माउंटेन ऑफ मांझी, ये मूवी। हाँ तो ये मूवी उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ एक बार की बात है, उनकी पति घर पत्नी गर्भवती थी और 52 किलोमीटर का पहाड़ पार करके हॉस्पिटल जाना था, बट उनकी पत्नी की रास्ते में मृत्यु हो गई, क्योंकि वो 52 किलोमीटर पहाड़ उनके बीच में आया था हॉस्पिटल और उनकी पत्नी के बीच में। तब उन्होंने बहुत ही वो अंदर से टूट चुके थे, तब उनके अंदर एक जिद पैदा हुई और वे अपने जिद के कारण उठाए छेनी और हथौड़ा और लगे तोड़ने पहाड़ को। लोगों ने कहा ये तो पागल, लेकिन अक्सर पागल ही इतिहास रच जाते हैं। वही हुआ दशरथ मांझी के साथ, लगातार 22 साल तक तोड़ते रहे और एक छेनी और हथौड़े से पूरे 52 किलो पहाड़ को ही तोड़ डाला। सोचिए ये था जीत, उन सफर को कितनी कम कर। आज ऐसे ही जुनून की जरूरत है हमारे जीपीएस के स्टूडेंट, भरा होना चाहिए जीपीएस, झारखंड की आन पहचान और सिमडेगा की पहचान बननी चाहिए जीपीएस, यह होना चाहिए जीपीएस। जीपीएस के हर एक स्टूडेंट का दिल खोलना चाहिए,
ताकि हम सीपीएस को छाड़कर नहीं पूरे नेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है हमारा एम होना चाहिए। मैं अभी सभी भी सीपीएस के स्टूडेंट से ये गुजारिश करूंगा कि हम जीपीएस में भले ही बहुत ही खामियां हैं, लेकिन हम खूबियों को और उससे आगे बढ़े और जीपीएस का नाम रोशन करें, ताकि सब लोग कहें जीपीएस जिंदाबाद, जीपीएस जिंदाबाद, जीपीएस जिंदाबाद। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।